हाय मैं ब्यूटीज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे चैनल पे मेरी क्रिएट की हुई सबसे ज़्यादा सॉफ्ट डिफ्यूज्ड स्मोकी आई। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगेगा। इसे मैंने काफ़ी बोल्ड कलर के साथ पेयर किया है, आप इसे कितने भी बोल्ड कलर के साथ पेयर कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्टली डिफ्यूज्ड आई मेकअप लुक है। सो ये बोल्ड कलर्स के साथ सूट करेगा। अगर आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड विद दैट बीइंग सेड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे अचीव किया है मैंने ये मेकअप लुक। एली गर्ल प्रो बीबी क्रीम ले रही हूँ मैं और इसे अपने रियल टेक्निक्स के स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूँगी। मैंने ये बीबी क्रीम पहले इसलिए अप्लाई की है क्योंकि जनरली बीबी क्रीम्स और सीसी क्रीम्स प्राइमर्स की तरह भी एक्ट करती हैं। सो आपके मेकअप को लॉन्जिटिविटी देगी, ब्यूटी बेनिफिट्स देगी, प्लस कवरेज प्रोवाइड करेगी। एक मीडियम कवरेज बीबी क्रीम है, सो आप डे टू डे बेसिस पे तो इसे इंडिविजुअली ही वेयर ऑफ कर सकते हैं अंडर अ कॉम्पैक्ट, और आपको डेली बेसिस की कवरेज तो ऐसे ही मिल जाएगी बियॉन्ड डाउट्स। इसके बाद में मैं मिलानी का क्रीम टू पाउडर फाउंडेशन ले रही हूँ और उसके साथ जो स्पंज आया था उसकी हेल्प से उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं बहुत बुरी तरीके से नाकाम हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि मैं उस स्पंज को कैसे यूज़ करूँ। तो फाइनली मैं अपने रियल टेक्निक्स का मिरेकल स्पंज ले रही हूँ और उसे डायरेक्टली पैन में डिप करके मैं इस प्रोडक्ट को अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। मेक श्योर कर रही हूँ कि जो कवरेज है, जिस लेवल पे मुझे फुल कवरेज चीज़ें पसंद हैं अपने फेस पे, उस लेवल तक की फुल कवरेज मुझे अवेलेबल हो जाए। इसके बाद में मैं कंसीलर लूँगी। मैं ले रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर और उसे मैं वो यूजुअल एरियाज जिन्हें मैं कंसील और हाईलाइट करना पसंद करती हूँ उन पर अप्लाई करूँगी। तो मैंने इसे अप्लाई किया है एक ट्राइंगल शेप में अंडर माई आई, मेरे फोरहेड पे, नोज पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे और थोड़ा सा वहाँ जहाँ मेरा कॉन्टोर एंड हो रहा होगा। और फिर वापस से मैं जा रही हूँ अपने रियल टेक्निक्स के मिरेकल स्पंज की तरफ और इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड पूरे फेस को सेट कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, वो सारे एस्पेक्ट्स जो काफ़ी नेसेसरी होते हैं आपके बेस मेकअप को फ्लॉलेस लगाने के लिए। दैट इज़ ब्लेंडिंग एवरीथिंग अवे, दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग एट द मोमेंट। इसके बाद में मैं प्रो स्ट्रोक पैलेट ले रही हूँ, ये फ्रीडम प्रो का प्रो स्ट्रोक पैलेट है और इससे मैं लाइटेस्ट शेड लेके अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आज मैं डेफिनेटली क्रीम कॉन्टोरिंग के मूड में बिल्कुल नहीं थी क्योंकि इट्स जस्ट द सीज़न आई गेस। मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने फेस पे इस समय अच्छे नहीं लग रहे हैं और मुझे कुछ ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं। एक्चुअली मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स ट्राई और टेस्ट कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवॉइड कर रही हूँ। सिर्फ यही रीज़न है मेरे क्रीम कॉन्टोरिंग नहीं करने का। सो आप जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपना नोज कॉन्टोर और लिप कॉन्टोर फिनिश किया। इसके बाद में मैं एक पैडल फाउंडेशन ब्रश जो होता है उसकी हेल्प से बनाना शेड ले रही हूँ फ्रीडम प्रो स्ट्रोक पैलेट से ही और उसे मैं अपने कंसील्ड एरियाज़ को सेट कर रही हूँ। आपको मेक श्योर करना है कि आपके कंसील्ड एरियाज़ प्रॉपरली सेट हों, उसके लिए आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बनाना पाउडर जो है वो आपके फेस को और अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है, तो वो एरियाज जिन पे आपको अपलिफ्टिंग चाहिए उन पे जनरली बनाना शेड लगाया जाता है। उसके बाद मैं इस पैलेट का जो मैट हाइलाइटर है उसे लेके जस्ट ऑन दी ऑप्टिकल बोन में अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद में मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैन ले रही हूँ और अपने ब्रश को पूरे पैन पे एक बार स्वर्ल करके उसे मैं अपनी ऑप्टिकल बोन पे अप्लाई करूँगी, जस्ट मेकिंग श्योर कि मुझे क्लियर वो विजुअलाइजेशन मिल जाए कि मेरा हाइलाइटर किस तरीके का दिख रहा है। इसके बाद में मैं वो हाइलाइटर अपनी नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ और सेम ब्रश मैं अपनी चिन और क्यूपिड्स बो पे भी अप्लाई किए ले रही हूँ। ब्लशों के लिए मैं प्रो ब्लश पैलेट ले रही हूँ। आज इस पैलेट का मैं काफ़ी यूज़ करने वाली हूँ। सो जो शेड मैंने पॉइंट किया था उसे मैं पहले ब्रश की हेल्प से टैप कर रही हूँ अपने फेस पे और फिर कॉन्टोर के साथ में उसे ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद में स्विच होते हैं लिप्स पे। मैं MUA लक्स लिपस्टिक ले रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक। ये क्रिमिनल शेड है शायद, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो, और उसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, यूजुअली मुझे पसंद है कि मैं अपनी लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले अपने एप्लीकेटर को अपने लिपस्टिक के जार पे क्लीन कर लेती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई एक्सेसिव प्रोडक्ट ना हो। और क्योंकि ये एक फुल कवरेज लिपस्टिक है
तो आपके लिए एक स्ट्रोक ही काफ़ी है, एक ब्रश का स्ट्रोक पूरे लिप पे काफ़ी है, आपको डबल अप नहीं करना पड़ेगा। दोबारा बढ़ते हैं प्रो ब्लश पैलेट की तरफ। मैंने अपनी आईज पे स्कॉच टेप अप्लाई किया हुआ है और वही शेड जिसे मैंने ब्लशर की तरह अप्लाई किया था उसे मैं अपने ट्रांजेक्शन पे अप्लाई कर रही हूँ। ट्रांजेक्शन शेड की तरह एक्चुअली अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज में। ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है पूरे लुक को एक दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए। इसके बाद में मैं सेकेंड बोल्डेस्ट शेड ले रही हूँ फ्रॉम द पैलेट और उसे एज अ ट्रांजेक्शन अप्लाई कर रही हूँ। आउटर वी में ब्लेंड कर रही हूँ, लोअर लैश लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद उसे मैं एक्सटेंड करूँगी अपनी आईलिड्स की तरफ भी। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप बस इसे ऑल द वे आपको डिफ्यूज करना है, ऑल ओवर द आई आपको डिफ्यूज करना है। शेप का ध्यान रखिए आपको किस तरीके का शेप चाहिए, दैट्स इट। इसके बाद में मैं द डार्केस्ट शेड फ्रॉम द पैलेट ले रही हूँ और उससे मैं अपनी आईलिड से स्टार्ट करते हुए क्रीज पे ब्लेंड करते हुए आउटर वी पे अप्लाई करते हुए लोअर लैश लाइन पे लाते हुए लाइक लिटरली आई एम टेकिंग इट ऑल ओवर द प्लेस। इसके बाद मैं फ्रीडम प्रो का प्रो डिसेंडेंट पैलेट ले रही हूँ, उससे ब्लैक शेड लेके मैं इसे जस्ट ऑन द आउटर वी अप्लाई करूँगी। अब आप कोई भी ब्लैक शेड ले सकते हैं, जस्ट उसे पिगमेंटेड होना चाहिए और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ब्रश की एग्जैक्ट टिप पे होना चाहिए वो शेड, ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा उस ब्लैक को फॉरवर्ड आगे पीछे मूव नहीं कराना है। सो जस्ट मेक श्योर कि वो आपकी टिप पे ही हो। इसके बाद में हम लोग लेंगे ये हाइलाइटिंग शेड और उसे अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करते हुए अंदर की तरफ ब्लेंड कर लेंगे अपने शेड्स के साथ में। सो ये कंसीडर कीजिए कि 1/3 ऑफ द इनर कॉर्नर जो है वो हम लोगों का हाइलाइटिंग शेड है। सो दैट्स इट। आई मेकअप आई शेडो के बेस पे कंप्लीट हम लोग फ्रीडम डिप ब्रा पोमेड ले रहे हैं एंगल ब्रश पे। ये रियल टेक्निक्स का एंगल ब्रश है और अपनी ब्राउज फिल कर रहे हैं। इसके बाद में हम ले रहे हैं लॉरियल पैरिस 36R जेल इंटेंजा आर्ट जेल आई लाइनर और रियल टेक्निक्स के लाइनर ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईज को लाइन कर रही हूँ। क्योंकि मेरा आउटर वी आई का काफ़ी डिफाइंड है, मेरे आई लाइनर को एक बेस मिल गया है। इसके बाद में मैं लैक में एब्सोल्यूट की जेल आई लाइनर पेंसिल ले रही हूँ और उसे मैं टाइट लाइन करूँगी एंड मच टूवर्ड्स द सरप्राइज मैं इसे वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूँगी एक्चुअली आज के लिए सर। इसके बाद मैं मेबलिन का पुश अप ड्रामा लैशेज मस्कारा ले रही हूँ और उससे मैं अपनी अपर एज वेल एज लोअर लैशेस को कोट कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग एट द मोमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये है फिनिश लुक यू गाइस। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय।